ओम शांति। आज बाबा के 3 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे सत्य बाप से सत्य कथा सुनकर नर से नारायण बनते हो। तुम सच्चे सच्चे सत्य बाप से सत्य कथा सुनकर नर से नारायण बनते हो। तुम 21 जन्म के लिए बेहद के बाप से वर्षा मिल जाता है। प्रश्न है, बाप की किस आज्ञा को पालन करने वाले बच्चे ही पारस बुद्धि बनते हैं? बाप की किस आज्ञा को पालन करने वाले बच्चे ही पारस बुद्धि बनते हैं? तो बाबा ने उत्तर में बताया, बाप की आज्ञा है देह के सब संबंधों को भूलकर बाप को और राजाई को याद करो। यही सदगति के लिए सदगुरु की श्रीमत है। तो इस श्रीमत को पालन कर, जो इस श्रीमत को पालन करते अर्थात देही अभिमानी बनते हैं, वही पारस बुद्धि बनते हैं। गीत है, आज अंधेरे में है हम इंसान, ओम शांति। ये कलयुगी दुनिया है, सब अंधेरे में है, यही भारत सोझरे में था। जब ये भारत स्वर्ग था, यही भारतवासी जो अब अपने को हिंदू कहलाते हैं, यह असल देवी देवताएं थे। भारतवासी स्वर्गवासी थे जब कोई धर्म नहीं था, एक ही धर्म था, स्वर्ग, वैकुंठ, बहिष्ट, हेविन, ये सब भारत के नाम थे। भारत प्राचीन, पवित्र, बहुत बहुत धनवान था। अभी तो भारत कंगाल है, क्योंकि अब कलयुगी हैं, वह सतयुग था। तुम सब भारतवासी हो, तुम जानते हो हम अंधियारे में हैं। जब स्वर्ग में थे तो सोझरे में थे। स्वर्ग के राज राजेश्वर, राज राजेश्वरी लक्ष्मी नारायण थे, उनको सुखधाम कहा जाता है। नए नए आते हैं तो बाप फिर समझाते हैं, बाप से ही तुमको स्वर्ग का वर्षा लेना है, जिसको जीवन मुक्ति कहा जाता है। अभी सब जीवन बंद में है, खास भारत आम दुनिया रावण की जेल शोक वाटिका में है। ऐसे नहीं कि रावण सिर्फ लंका में था और राम भारत में था और उसने आकर सीता चुराई, ये सब हैं दंत कथाएं। गीता है मुख्य, सर्व शास्त्रों में शिरोमणि श्रीमद् अर्थात भगवान की सुनाई हुई गीता। मनुष्य तो कोई की सदगति कर नहीं सकते, सतयुग में थे जीवन मुक्त देवी देवताएं, जिन्होंने यह वर्षा कलयुग अंत में पाया था। भारत को ये पता नहीं था, न कोई शास्त्र में है, शास्त्र तो सब हैं भक्ति मार्ग के लिए, वह सब भक्ति मार्ग का ज्ञान है। सदगति मार्ग का ज्ञान मनुष्य मात्र में है नहीं। बाप कहते हैं कि मनुष्य मनुष्य के गुरु बन नहीं सकते, गुरु कोई सदगति दे नहीं सकते। वह गुरु कहेंगे, भक्ति करो, दान पुण्य करो, भक्ति द्वापर से चली आई है, सतयुग त्रेता में है ज्ञान की प्रारब्ध। ऐसे नहीं वहाँ ये ज्ञान चला आता है। ये जो वर्षा भारत को था, ये बाप से संगम पर ही मिला था, जो फिर अभी तुमको मिल रहा है। भारतवासी नरकवासी महान दुखी बन जाते हैं, तब पुकारते हैं, हे पतित पावन दुख हरता सुख करता। किसका? सर्व का, क्योंकि खास भारत दुनिया आम में 5 विकार हैं ही हैं। बाप है पतित पावन, बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम पर आता हूँ और सर्व का सदगति दाता बनता हूँ। अबलाओं अहिल्याओं गणिकाओं और गुरु लोग जो हैं उनका भी उद्धार मुझे करना है, क्योंकि यह तो
है ही पतित दुनिया, पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है। भारत में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। ये भारतवासी नहीं जानते कि ये स्वर्ग के मालिक थे। पतित खंड मन झूठ खंड, पावन खंड मन सच खंड, भारत पावन खंड था। इन लक्ष्मी नारायण की सूर्यवंशी डिनास्टी थी। यह भारत है अविनाशी खंड, जो कभी विनाश नहीं होता। जब इनका राज्य था तो और कोई खंड था नहीं। वह सब बाद में आते हैं। शास्त्रों में सबसे बड़ी भूल तो यह की है जो कल्प लाखों वर्ष का लिख दिया है। बाप कहते हैं कि न तो कल्प लाखों वर्ष का होता, न सतयुग लाखों वर्ष का होता। कल्प की आयु 5000 वर्ष है। ये फिर कह देते कि मनुष्य 84 लाख जन्म लेते। मनुष्य को कुत्ता बिल्ली आदि बना दिया है, परंतु उनका जन्म अलग है। 84 लाख वैरायटी हैं। मनुष्यों की वैरायटी एक है, उनके ही 84 जन्म हैं। बाप कहते हैं, बच्चे तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। भारतवासी अपने धर्म को ड्रामा प्लान अनुसार भूल गए हैं। कलयुग अंत में बिल्कुल पतित बन पड़े हैं। फिर बाप आकर संगम पर पावन बनाते हैं। इनको कहा जाता है दुख धाम, फिर पाठ सुख धाम में होगा। बाप कहते हैं, हे बच्चों, तुम भारतवासी ही स्वर्गवासी थे। फिर तुम 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते हो। सतो से रजो तमो में जरूर आना है। तुम देवताओं जितना धनवान, एवर हैप्पी एवर हेल्दी कोई नहीं होता। भारत कितना साहूकार था, हीरे जवाहरात तो बड़े बड़े पत्थरों मिसल थे, कितने तो टूट गए हैं। बाप तुम बच्चों को स्मृति दिलाते हैं कि तुमको कितना साहूकार बनाया था। तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे। यथा राजा रानी इन्हों को भगवान भगवती भी कह सकते हैं, परंतु बाप ने समझाया है कि भगवान एक है, वह बाप है। सिर्फ ईश्वर या प्रभु कहने से भी याद नहीं आता कि वो सभी आत्माओं का बाप है। यह तो है बेहद का बाप। वह समझाते हैं कि भारतवासी तुम जयंती मनाते हो, परंतु असल में बाप कब आए थे वह कोई भी नहीं जानते हैं। हैं ही आयरन एजेड पत्थर बुद्धि। पारसनाथ थे, इस समय पत्थरनाथ हैं। नाथ भी नहीं कहेंगे क्योंकि राजा रानी तो है नहीं। पहले यहाँ देवी राजस्थान था, फिर आसुरी राज्य बन जाता है। ये खेल है, वह है हद का ड्रामा, ये है बेहद का ड्रामा। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी आदि से अंत तक तुम अभी जानते हो और कोई नहीं जानते। भारत में जब देवी देवता थे तो सारी सृष्टि के मालिक थे और भारत में ही थे। बाप भारतवासियों को स्मृति दिलाते हैं। सतयुग में आदि सनातन देवी देवता इन्हों का श्रेष्ठ धर्म श्रेष्ठ कर्म था। फिर 84 जन्मों में उतरना पड़े। ये बाप बैठ कहानी सुनाते हैं कि अब तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। एक की बात नहीं, न युद्ध का मैदान आदि ही है। भारतवासी ये भी भूल गए हैं कि इन्हों का यानी लक्ष्मी नारायण का राज्य था। सतयुग की आयु लंबी करने से बहुत दूर ले गए हैं। बाप समझाते हैं कि मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। मनुष्य मनुष्य की
सदगति नहीं कर सकते। कहावत है कि सर्व का सदगति दाता, पतितों को पावन करता एक है। यह दुनिया है झूठ खंड, सच्चा बाबा सच खंड स्थापन करने वाला है। भक्त पूजा करते हैं, परंतु भक्ति मार्ग में जिसकी भी पूजा करते आए हैं, एक की भी बायोग्राफी नहीं जानते हैं। शिव जयंती तो मनाते हैं, बाप है नई दुनिया का रचयिता, हेवनली गॉड फादर, बेहद सुख देने वाला। सतयुग में सुख था, वह कैसे और किसने स्थापन किया? नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाया, भ्रष्टाचारियों को श्रेष्ठाचारी देवता बनाया। यह तो बाप का ही काम है, तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ, तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, फिर तुमको पतित कौन बनाते हैं? ये रावण मनुष्य कह देते, सुख दुख ईश्वर देते हैं। बाप कहते हैं, मैं तो सबको सुख देता हूँ, आधा कल्प फिर तुम बाप का सिमरण नहीं करेंगे। फिर जब रावण राज्य होता है तो सबकी पूजा करने लग पड़ते हैं। ये तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। कहते हैं, बाबा हमने कितने जन्म लिए हैं? बाप कहते, बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, तुमने पूरे 84 जन्म लिए हैं। तुम 21 जन्म लिए बेहद के बाप से वर्षा लेने आए हो, अर्थात सच्चे सच्चे सत्य बाबा से सत्य कथा नर से नारायण बनने का ज्ञान सुनते हो। यह है ज्ञान, वह है भक्ति, यह स्पिरिचुअल नॉलेज सुप्रीम रूह आकर देते हैं। बच्चों को देही अभिमानी बनना पड़े, अपने को आत्मा निश्चय कर मामेकम याद करो। शिव बाबा तो सभी आत्माओं का बाप है, आत्माएं सब परम धाम से पाठ बजाने आती हैं शरीर में, इसको कर्म क्षेत्र कहा जाता है। बड़ा भारी खेल है, आत्मा में बुरे व अच्छे संस्कार रहते हैं, जिस अनुसार ही मनुष्य को जन्म मिलता है, अच्छा व बुरा। यह जो पावन था अभी पतित है, तत्वतम मुझ बाप को इस पराय रावण की दुनिया पतित शरीर में आना पड़ता है। आना भी उसमें है जो पहले नंबर में जाना है। सूर्यवंशी ही पूरे 84 जन्म लेते हैं। ये है ब्रह्मा और ब्राह्मण, बाप समझाते हैं रोज, लेकिन आत्माएं एक पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाना मासी का घर नहीं है। बाबा तो हम बच्चों को रोज समझाते, बाबा कहते लेकिन पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि बनाना मासी का घर नहीं है। हे आत्माएं अब देही अभिमानी बनो, हे आत्माएं एक बाप को याद करो और राजाई को याद करो, देह के संबंधों को छोड़ो तो पारस बुद्धि बन जाएंगी। मरना तो सबको है, सबकी अब वानप्रस्थ अवस्था है। एक सतगुरु बिगर सर्व का सदगति दाता कोई हो नहीं सकता। बाप कहते हैं, हे भारतवासी बच्चों, तुम पहले पारस बुद्धि थे, गाया हुआ है कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, तो पहले तुम भारतवासी देवी देवता धर्म वाले आए हो और धर्म वाले पीछे आए हैं, दोनों के जन्म भी थोड़े होते हैं। सारा सृष्टि का झाड़ कैसे फिरता है वह बाप बैठ समझाते हैं। जो धारणा कर सकते हैं उनके लिए बहुत सहज है, आत्मा धारण करती है पुण्य आत्मा और पाप आत्मा तो आत्मा बनती है। तुम्हारा अंतिम 84वां जन्म है, तुम वानप्रस्थ अवस्था में हो। वानप्रस्थ अवस्था वाले गुरु करते हैं मंत्र लेने के लिए,
तुमको अब बाहर का मनुष्य गुरु करना नहीं है, तुम सभी का मैं बाप टीचर सतगुरु हूँ। मुझे कहते ही हैं हे पतित पावन शिव बाबा। अभी स्मृति आई है, सभी आत्माओं का ये बाप है। आत्मा सत्य है, चैतन्य है, क्योंकि अमर है। सभी आत्माओं में पाठ भरा हुआ है। बाप भी सत्य चैतन्य है। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप होने के कारण कहते हैं कि मैं सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता हूँ, इसीलिए मुझे नॉलेजफुल कहा जाता है। तुमको भी सारी नॉलेज है कि बीज से झाड़ कैसे निकलता है। झाड़ बढ़ने में तो टाइम लगता है। बाप कहते हैं कि मैं बीज रूप हूँ। अंत में सारा झाड़ जड़जड़ी भूत अवस्था को पाता है। अभी देखो, देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, प्राय लोप है। जब देवी देवता धर्म गुम हो जाता है तब बाप को आना पड़े, एक धर्म की स्थापना कर बाकी सबका विनाश करा देते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बाप स्थापना करा रहे हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की। तुम आए हो भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी देवता बनने। ये ड्रामा बना हुआ है, इनकी एंड नहीं होती। बाप आते हैं, आत्माएं सब ब्रदर्स हैं, मूल वतन में रहने वाली, जो उस एक बाप को सब याद करते हैं। दुख में सब सिमरण करे, रावण राज्य में दुख है, यहाँ सिमरण करते हैं। तो बाप सर्व का सदगति दाता एक है, उनकी महिमा है। बाप न आए तो पावन कौन बनाए। क्रिश्चियन इस्लामी आदि जो भी मनुष्य हैं इस समय सब तमो प्रधान हैं। सभी को पुनर्जन्म जरूर लेना है। अभी पुनर्जन्म मिलता है नर्क में, ऐसे नहीं कि सुख में चले जाते हैं। जैसे हिंदू धर्म वाले कहते हैं कि स्वर्गवासी हुआ तो जरूर नर्क में था ना, अभी स्वर्ग में गया, तुम्हारे मुख में गुलाब। जब स्वर्गवासी हुआ फिर उसको नर्क के आसुरी वैभव क्यों खिलाते हो, पितर खिलाते हैं ना। बंगाल में मछली अंडे आदि खिलाते हैं, अरे उनको ये सब खाने की दरकार क्या है। वापस कोई जा नहीं सकता, जबकि पहले नंबर वालों को 84 जन्म लेना पड़ता है। इस ज्ञान में कोई तकलीफ नहीं है। भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत है, राम राम जपते रोमांच खड़े हो जाते हैं। ये सब है भक्ति मार्ग। ये सूर्य चांद आदि रोशनी करने वाले हैं, ये देवता थोड़ी हैं। वास्तव में ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारे यहाँ की महिमा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस अंतिम 84वें जन्म में कोई भी पाप कर्म अर्थात कोई विकर्म नहीं करना, पुण्यात्मा बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है, संपूर्ण पावन बनना है। अपनी बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने के लिए देह के सब संबंधों को भूल देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। वरदान है कंपनी और कंपेनियन को समझकर साथ निभाने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। कंपनी और कंपेनियन को समझकर साथ निभाने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। ड्रामा के भाग्य प्रमाण आप थोड़ी सी आत्माएं हो,
जिन्हें सर्व प्राप्ति कराने वाली श्रेष्ठ ब्राह्मणों की कंपनी मिली है। सच्चे ब्राह्मणों की कंपनी चढ़ती कला वाली होती है। वे कभी ऐसी कंपनी नहीं करेंगे जो ठहरती कला में ले जाए। जो सदा श्रेष्ठ कंपनी में रहते और एक बाप को अपना कंपेनियन बनाकर उनसे ही प्रीत की रीत निभाते हैं, वही श्रेष्ठ भाग्यवान हैं। स्लोगन है, मन और बुद्धि को एक ही पावरफुल स्थिति में स्थित करना, यही एकांतवासी बनना है। मन और बुद्धि को एक ही पावरफुल स्थिति में स्थित करना, यही एकांतवासी बनना है। अच्छा, ओम शांति।